देख सकते हो आगे का रास्ता कुछ इस प्रकार का है, और ये मेन भीमबली के ठीक सामने का रास्ता है, और यहाँ से देख सकते हो आप अब हमें जाना है इस वाले रास्ते में यहाँ से बाबा केदार के द्वार के लिए। तो इस तरफ से हम आए, सो फ्रेंड्स बाबा केदार जी की कृपा से पहुंच चुके हैं हम बाबा जी के दरबार में, और अब थोड़ी देर में यहाँ पे होगी आरती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर संजू में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है केदारनाथ, श्री केदारनाथ धाम जी के पैदल मार्ग से, और अभी मैं हूं गौरीकुंड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर पैदल रास्ता हम यहाँ से चल रहे हैं, और सुबह मैं सोन प्रयाग में लगभग 5:30 बजे वहाँ पर लाइन पर लग गया था।
और वहाँ से हमें 10 बजे तक जो है लाइन से मौका मिला ऊपर आने के लिए, मतलब बहुत बड़ी लाइन थी। उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने केवल शॉर्ट्स लिए हैं, मैंने खुद वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि खच्चर भी चल रहे थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि मैं वीडियो बनाता तो फिर मेरा ध्यान दूसरी जगह रहता और रास्ता भी बहुत कंजस्टेड है, जैसा कि मैं आपको अपने शॉर्ट्स के जरिए जो मेरे ले रखे हैं वो मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ से लगभग केदारनाथ है 15 से 16 किलोमीटर, तो अब चलते हैं आगे की ओर, तो आप लोग सभी लोग मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर पीछे की ओर। यहाँ पे देखिए आप, हर रास्ते में बीच बीच में यहाँ पे खूबसूरत इस प्रकार के झरने हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ऊपर से आ रहा है वो, यहाँ से ये वाला झरना, तो इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा है। और जाते जाते रास्ते के ठीक साइड में यानी बगल में माँ मंदाकिनी केदारनाथ धाम से निरंतर आ रही है। और जैसे भी हम सोनप्रयाग से निकले थे वहाँ से जैसे ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो माँ मंदाकिनी के दर्शन हमें हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा जी के मंदिर में, और यहां से केदारनाथ बाबा जी के धाम की जो यात्रा की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर है। तो अब यहां से चलते हैं ऊपर की ओर, रास्ते में लगातार चढ़ाई है तो धीरे धीरे चल रहे हैं, वैसे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। बस सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस कारण से वहाँ पर बहुत भीड़ लगी और भीड़ के कारण हमें लेट भी हुआ। तो बट बाबा जी की जब यात्रा करनी है तो उसमें जो है बाबा जी के लिए पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे भैरव बाबा जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है कह रहे हैं कि सामने वाला जो रास्ता है कहीं से टूट रखा है, तो इसलिए वहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम इस वाले शॉर्टकट से जा रहे हैं, अब चलेंगे हम इस वाले रास्ते से। तो फ्रेंड्स, रास्ते में कुछ इस प्रकार के खूबसूरत नज़ारे आप मेरी वीडियो के जरिए देख रहे हैं, और आप मेरे बैक साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्यारा सा झरना बह रहा है। और रास्ते में कहीं कहीं पे जो है भूस्खलन भी हो रखा है, लैंडस्लाइड हो रखा है, तो वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा भेज रहा है, और NDRF और SDRF की टीम भी यहाँ पे रास्ते में अपना जो है बखूबी काम निभा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, उनका एक जो है मुख्य यहाँ पे योगदान है, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं ऊपर के लिए।
सो फ्रेंड्स, सोनप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर और गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी नामक जगह पे हम पहुंच चुके हैं। लगातार चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं चढ़ाई में, बस खच्चरों का ध्यान रख के और अपने अपने रास्ते यानी लेफ्ट हैंड को चल रहे हैं। तो आप लोग भी बने रहे मेरे साथ यात्रा में। तो आप देख सकते हैं सभी सरदारु लोग लगातार चल रहे हैं और ज़्यादातर इस मार्ग में जो है चढ़ाई है, तो सभी लोग आराम आराम से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली के पास और यहाँ पे एक बोर्ड है, उसके अनुसार जो आगे की दूरियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ बैक कैमरे से। तो भीमबली से रामबाड़ा है 1 किलोमीटर, बोर्ड के अनुसार छोटी लिंचोली है 2.5 किलोमीटर और लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप है 6 किलोमीटर और बाकी दूरियाँ आप देख सकते हैं। केदारनाथ लगभग 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर और यहाँ भीमबली में जो है हमें कैंप की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे हमें रहने के लिए कैंप मिल जाते हैं। बाकी खाने की बात करें तो पूरे रास्ते में, अभी तक मैं सोनप्रयाग से भीमबली तक आया, तो रास्ते में सभी जगह कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है, चाहे वो नॉर्मल जो रेट है उसका डबल रेट है, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ तक मार्केट से लाना, मतलब मेन देहरादून से यहाँ तक लाना। फ्रेंड्स, ये है भीमबली, सामने आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये बने हुए हैं कैंप जिनमें कि हमें रहने की सुविधा मिल जाती है। और अब चलेंगे हम यहाँ से आगे इस वाली साइड, ये आगे अपना रास्ता। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आगे का रास्ता कुछ इस प्रकार का है और ये मेन भीमबली के ठीक सामने का रास्ता है और यहाँ से देख सकते हो आप, अब हमें जाना है इस वाले रास्ते में, यहाँ से बाबा केदार के द्वार के लिए, दर्शन के लिए। तो ये देख सकते हैं आप भीमबली से आगे, और मंदाकिनी माँ निरंतर आ रही है ऊपर से नीचे के लिए, कल कल बह रही है, और यहाँ से इस वाले रास्ते से हमें निकलना है। ये वाला पुल बीच में पड़ेगा भीमबली से ठीक थोड़ा आगे, उसके बाद हम यहाँ से होते हुए ठीक इधर और फिर हम चलेंगे ऊपर बाबा केदार की ओर। तो ठीक ये सामने है भीमबली और यहाँ पे कैंप की जो है सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ से फिर घूम के हम आ रहे हैं इस वाले रास्ते से और अब चलते हैं हम यहाँ से ऊपर की ओर। तो अभी हम आए भीमबली से यानी ठीक उधर से, और पहले जो रास्ता था वो इस वाली साइड से था, जबकि अब हमें यहाँ से घूम के आना पड़ा। पहले ये वाला रास्ता था, शायद ये रास्ता हाँ आगे से टूटा हुआ है इस तरफ, यहाँ से ये वाला रास्ता जो है क्षतिग्रस्त है। और देखिए सामने का दर्शन, माँ मंदाकिनी कल कल करके बह के आ रही है यहाँ पे, काफ़ी तीव्र रूप में आ रही है, और ये अपना रास्ता। तो फ्रेंड्स, अभी भीमबली से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर की ओर मैं आ गया हूँ और हमने अपना फर्स्ट स्टॉप यहीं पे लिया है। लगातार सोनप्रयाग से यहाँ तक हम चल के आए हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है मैंने रेस्ट किया है और अब आपको मैं यहाँ से बैक कैमरे से दिखाता हूँ। पहले जो केदारनाथ जी के लिए जो पुराने रास्ते थे भीमबली से, वो वाले रास्ते मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला रास्ता तो था पहले खच्चर मार्ग, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पैदल मार्ग था पहले। तो पैदल मार्ग ये वाला था इस तरफ ये, और उससे पुराना फिर वहाँ से आते थे इस वाले रोड से, यानी इस वाले रास्ते से, पहले इस वाले रास्ते से आते थे जो ये आप देख रहे हैं,
और उससे पुराना वाला रास्ता जो था वो ये वाला था। उसके बाद वाला रास्ता यहाँ से, ये वाला जो रास्ता आ रहा है यहाँ से मंदाकिनी माँ के ठीक इधर ऊपर की ओर से होते हुए यहाँ से निकलते थे ऊपर के लिए, लेकिन अभी वहाँ पे जो है पुल टूट रखा है तो वो वाला रास्ता बंद हो रखा है। और अब हमें जाना है ठीक ऊपर केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, ठीक ऊपर। रेस्ट करके काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है महसूस हुआ। और बात करी जाए यहाँ पे थकान की, थकान का ये है कि जब रास्ते में चलते रहो चढ़ाई में, तो हमें बीच बीच में बहुत खूबसूरत झरने मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत जो है नज़ारे मिल रहे हैं प्रकृति के, तो उनसे जो है ये थकान एकदम से जो है काफ़ी कम हो जा रही है और राहत की जो है सांस मिल रही है। तो ऐसा कुछ सीन है अभी का। अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर तो ऊपर होगा, लगातार चल ही रहे हैं बस जय बाबा केदार। तो पैदल पैदल अपनी यात्रा का जो है आनंद ले रहे हैं, और बहुत से लोग तो जो है ठीक मेरी ही उम्र के यहाँ पे खच्चरों से जा रहे हैं, घोड़े और खच्चर से जा रहे हैं, जो कि उन्हें सोचना चाहिए जब मैं यहाँ पे खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ खच्चरों के कितने बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पे। चढ़ाई में भी ये लोग लगातार उन्हें दौड़ा रहे हैं। और मेरा कहना तो ये है कि हमें जो है इस यात्रा में, पूरी केदारनाथ यात्रा में, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जी के पास तक जो यात्रा चलती है, हमें ये घोड़े खच्चर ये सब बंद करवा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे आना होगा बाबा जी के, जिसे दर्शन करने होंगे, वो खुद अपने पाँव से चल के आएगा, अगर उस पर पाँव हाथ सब कुछ उसके सलामत है। अगर हाँ किसी को कुछ डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए है हेलीकॉप्टर, वो आ सकता है हेलीकॉप्टर पे। बट और ये जो है एक पूरा इन्होंने यहाँ पे व्यापार बना रखा है, बिजनेस बना रखा है खच्चरों की ज़िंदगी के साथ खेल के। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत ही ऐसे हैं, बड़े ही निर्दयी लोग हैं, वो उन्हें चढ़ाई में भी मार रहे हैं, और कुछ मैंने ऐसे भी देखे थे चप्पल की भी मार रहे थे अपने खच्चरों को। अब क्या बोलें, हम क्या बोल सकते हैं उनके साथ, हम कुछ बोलेंगे तो वो लड़ने लग जाएंगे। क्योंकि ये है कि अगर हमें कमाई का कुछ जरिया है, कुछ साधन है, तो बहुत साधन है। ऐसे नहीं है कि घोड़ों की ज़िंदगी के साथ खेल के ही हमें कमाई मिल सकती है। हर चीज़ से बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम जो है कमा सकें और अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर सकें। तो इस तरफ से हम आए और आप देख सकते हैं माँ मंदाकिनी कल कल करके बह रही है, और यहाँ पे जो है रास्ते का जो है बनने का पूरा यहाँ पे काम चल रहा है अच्छे से लगातार। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, तो रास्ते को कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है, इस प्रकार के जो जाल हैं यहाँ पे लगवाए जा रहे हैं, देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है मार्ग कार्य प्रगति पे है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं बड़ी लिंचोली से लगभग 1 किलोमीटर पीछे की ओर, और यहां से केदारनाथ धाम जी की जो दूरी है लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तो अब चलते हैं यहां से ऊपर की ओर, और जो मैं आपको घोड़े और खच्चर वाली बात कह रहा था, वो हमें जब हम घर पे रहते हैं तो हमें लगता है कि घोड़े और खच्चरों का काम क्या होता है, यही तो होता है सवारी को ढोना, लेकिन वो एक नॉर्मल बात होती है। मेन बात यह है कि यहाँ पे जो है घोड़े खच्चरों को लगभग 6 महीने में लगभग 4 से 5 महीने यहाँ पे उन्हें डेली यहाँ पे चलना होता है, डेली इस चढ़ाई में, जिसे हम एक दिन भी नहीं चढ़ पाते सही से। लगभग उन्हें 20
10 किलोमीटर अगर आधे रास्ते से कभी उन्हें ऊपर नीचे 20 कभी उन्हें 30 से 40 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, और वो भी इस वाली चढ़ाई में जहाँ हम पैदल भी नहीं चढ़ पाते। और अगर 6 महीने में अगर मानो आपदा के कारण 1 या 1.5 महीने अगर आपदा के कारण ये रास्ता बंद भी रहता है, तो कम से कम उन्हें 5 महीने तो यहाँ पे इस चढ़ाई में चलना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये खच्चर और घोड़े वाली जो ये जो सिस्टम है, ये पूरा बंद ही हो जाना चाहिए। जिसे आना होगा वो पैदल आ सकता है, अदरवाइज़ जो बेचारे डिफ़िकल्टी है, जिन पे कुछ भी प्रॉब्लम है, विकलांगता है, उनके लिए है हेलीकॉप्टर सुविधा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी है केदारनाथ बाबा जी के धाम की, और इस तरफ से हमें ऊपर जाना है ठीक इस वाली पहाड़ी पे। तो चलिए बने रहें वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हिमालय भी दिखने लग गया है। ये देख सकते हैं आप, प्यारा सा हिमालय पर्वत, कितना प्यारा लग रहा है। और आप कभी यहाँ आओगे और ख़ुद आँखों से देखोगे अपनी, तो इतना प्यारा लगेगा जो कि कैमरे से हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। कैमरे से केवल 5% दिख रहा होगा। जो ये सामने हिमालय दिख रहा है, इसकी जो खूबसूरत जो यहाँ पे नज़ारे हैं। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, लगभग 4.5 किलोमीटर और है यहाँ पे। और अभी जो हिमालय पर्वत है सामने, उस पर कोहरा लग गया है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट झांकी जब यहाँ से देखी, फर्स्ट जो व्यू देखा यहाँ से मैंने हिमालय का यहाँ से, तो मतलब जो पूरी जो थकान थी यहाँ तक के आते हुए, वो पूरी एकदम से ख़त्म हो गई। और अभी आके जाके देखते हैं कैसा नज़ारा होगा। भगवान जी के जब दर्शन होंगे तो कुछ अलग ही नज़ारा होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ऐसी फीलिंग है अभी यहाँ पे, और लगभग 4 किलोमीटर और होगा यहाँ से। और अब ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, अब मतलब ये है कि लेवल वाला रास्ता आ गया है, समतल रास्ता आ गया है। तो चलिए बने रहे वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बाबा केदारनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर पीछे की दूरी पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग अब 2.5 से 3 किलोमीटर होगा जाने के लिए, और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ एक बार बैक कैमरे से। तो इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा है, और सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है। कभी कभी वहाँ पे जो है कोहरा लग रहा है, बादल लग रहा है, और कभी साफ़ हो रहा है। बस मिनट मिनट में यहाँ पे जो है मौसम चेंज होता है, तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है। और लगातार यहाँ पे जो रास्ते का जो कार्य है, वो यहाँ पे प्रगति पे है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी मजदूर लोग लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, और जो कि बहुत ही एक बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। रास्ता बनाना ही सबसे बड़ा काम है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो आज हम यहाँ पे यात्रा करने के लिए नहीं आए होते, क्योंकि रास्ता ही नहीं होता तो हम कैसे आते। तो अभी मुझे जाना है ठीक सामने, जो मुझे सामने दिख रहा है, और उस वाले पर्वत से वहीं से दिखेगा बाबा केदारनाथ जी का धाम। तो चलिए वीडियो में बने रहें। केदार दोस्तों, फाइनली शाम के 6 बजे हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार जी के द्वार में, और अब करेंगे हम दर्शन। लगभग 7 बजे के आसपास होगी यहाँ पे आरती, और फाइनली लगभग हम 10 बजे चले थे सोनप्रयाग से,
और सोनप्रयाग से हम पैदल ही आ रहे हैं। गौरीकुंड तक जो शटल सेवा होती है उससे भी नहीं आए हम, क्योंकि बीच में जो थे एक दो जगह से रास्ते टूट रखे थे, तो शटल सेवा में आके वहाँ पे भी उसमें आके भी कोई फायदा नहीं था। बीच में तब भी हमने पैदल चलना था, तो लगातार वहाँ से लगभग 24 किलोमीटर तो होगा यहाँ पे, हम 8 घंटे में हमने कवर करा। बीच में काफ़ी चढ़ाई है जो कि मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, बाबा श्री केदार के। जय श्री केदार दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है जितनी भी चढ़ाई चढ़ के जो थकान लगी थी वो बिल्कुल एकदम से ये है कि ख़त्म हो गई हो, बिल्कुल यहाँ पे जो है मतलब रिलीफ एहसास हो रहा है अभी। और अभी तो मैं बाबा केदार के जस्ट यहाँ से थोड़ा ही पास में वहाँ पे जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो पूरा ही कौन सा माहौल होगा, मतलब एक अलग ही आनंद है, अलग ही पीसफुल मोमेंट है ये। तो कभी आप आएंगे तो आप भी इस पल को इंजॉय करेंगे। जय श्री बाबा केदार। और खूबसूरत नज़ारे हैं बाबा केदार के, वो सब मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है अभी। अभी चारों ओर जो है कोहरा लगा हुआ है, तो जो पहाड़ियां हैं वो दिख नहीं रही है साफ से। सो फ्रेंड्स, बाबा केदार जी की कृपा से पहुंच चुके हैं हम बाबा जी के दरबार में, और अब थोड़ी देर में यहाँ पे होगी आरती, तो आप सभी को आरती के दर्शन भी करवाएंगे अपनी वीडियो के जरिए। बाबा जी की कृपा मुझ पर और आप पर, हम सभी पर बनी रहे। जय बाबा केदार। बहुत ही सुंदर माहौल है, कभी आप भी आएंगे यहाँ पे जो मेरी वीडियो को देख रहा है, तो आप लोगों को जो है वो सच्ची जो असली वाली जो अनुभूति होती है वो महसूस होगी। जय बाबा केदार। जय बाबा जी। जय श्री केदार। Thank you.